सब्सक्राइब कीजिए टेक माइंड वर्ल्ड चैनल को और क्लिक कीजिए इस बेल बटन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टी पिन के बारे में बताऊंगा। टी पिन क्या होता है और इसे कैसे जनरेट करते हैं, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकली टी पिन जनरेट करके बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। टी पिन स्टॉक मार्केट में यूज होता है। आप चाहे किसी भी ऐप के द्वारा ट्रेडिंग करते हो, आपको सभी में टी पिन की आवश्यकता होगी। टी पिन का फुल फॉर्म होता है टेलीफोन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और इसका इस्तेमाल कस्टमर ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। टी पिन को CDSL ने बनाया है और यही इसे मैनेज भी करता है। CDSL का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। टी पिन 6 डिजिट का नंबर होता है जिसे आप कभी भी चेंज या रीसेट कर सकते हैं। जब आप किसी भी कंपनी के स्टॉक बाय करते हैं और उसे सेम डे सेल कर देते हैं तो आपको टी पिन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं तो अगले दिन से वो स्टॉक पोर्टफोलियो में शो होने लगता है। इसके बाद जब भी आप उस स्टॉक को सेल करते हैं तो आपसे टी पिन एंटर करने के लिए बोला जाता है, यानी कि बिना टी पिन के आप उस स्टॉक को सेल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब टी पिन जनरेट करना सीख लेते हैं। यहाँ मैं आपको ग्रो ऐप का टी पिन जनरेट करके बता रहा हूँ। अगर आप किसी दूसरे ऐप के द्वारा ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस होगा। आपको कोई एक ब्राउजर ओपन करना है, जैसे कि हमने यहाँ गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन किया है और इसमें टाइप करना है cdslindia.com और एंटर करेंगे तो आपके सामने CDSL का ये पेज ओपन हो जाएगा। अब या तो आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ आपको जनरेट टी पिन का ऑप्शन मिलेगा, इसे चूज करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। या फिर होम पेज पर ही आपको यहाँ EDIS का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पेज ओपन होगा। पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जनरेट टी पिन और चेंज टी पिन। आप यहाँ जनरेट टी पिन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। पेज को स्क्रॉल करेंगे, टी पिन जनरेट करने के लिए BOID और पैन नंबर की आवश्यकता होगी। BOID को आप उसी ऐप में जाकर देख सकते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि हम ग्रो ऐप के द्वारा ट्रेडिंग करते हैं तो हम ग्रो ऐप को ओपन करेंगे, नीचे यू का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो मेनू ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी। पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपकी BOID मिल जाएगी। यहाँ क्लिक करके इसे कॉपी कर लेंगे और फिर से जनरेट टी पिन पेज पर आ जाएंगे और यहाँ BOID डाल देंगे, यहाँ पैन नंबर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP कोड सेंड किया जाएगा, जैसे कि आप यहां रीड कर सकते हैं, OTP इज सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। उस OTP को यहां डालेंगे। यदि किसी कारण से OTP नहीं आता है तो नीचे यहां गेट फ्रेश OTP का बटन दिया है, आप इस पर क्लिक करके फिर से OTP मंगा सकते हैं। तो चलिए हम OTP देख लेते हैं। ये देखिए ईमेल पर OTP आ गया है जो कि 15 मिनट तक वैलिड रहेगा, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ OTP डालकर नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद आपका टी पिन जनरेट हो जाएगा और आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पर भेज दिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ रीड कर सकते हैं, योर टी पिन इज जनरेटेड सक्सेसफुली एंड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आप यहाँ देख भी सकते हैं हमें मैसेज के द्वारा टी पिन मिल गया है और यहाँ ईमेल आईडी पर भी टी पिन आ गया है। इसके बाद अगर आप टी पिन चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ चेंज टी पिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ BOID और यहाँ पैन नंबर डालकर नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ डालकर नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ न्यू टी पिन एंटर करने के लिए बोला जाएगा। आप यहाँ अपनी पसंद का 6 अंकों का कोई भी टी पिन डालेंगे। कन्फर्म करने के लिए यहाँ फिर से टी पिन डालेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका टी पिन चेंज हो जाएगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं टीपिन अपडेटेड सक्सेसफुली। दोस्तों अब आप टीपिन जनरेट करना सीख गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।